वेलकम बैक टू माई चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस साल की पहली रेसिपी कोलकाता स्टाइल चिकन बिरयानी की रेसिपी जो कि आपकी, मेरी और सबकी फेवरेट है ना। तो चलो बिना देर के देख लेते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें बिरयानी मसाला बना लेना है। हम एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल, कबाब चीनी, काली मिर्च, सफेद मिर्च, शाही जीरा, सौंफ और चक्रफूल जिसको स्टारनेस कहते हैं। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट तक। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसमें से एक बहुत ही सुंदर सी खुशबू आएगी और फिर इसे हमें फ्लेम से हटाकर ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे एकदम अच्छी तरीके से पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाया है और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा। तो जो लोग बिगिनर हो मेरी तरह, इस तरीके से रेसिपी को ट्राई करना, आप लोग को सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अब हमें बैरिस्टा बना लेना है। यहाँ थोड़े थोड़े बैचेस में करके हमें प्याज फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ सरसों का तेल यूज किया है और ध्यान रहे प्याज को हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है, एकदम ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑयल में से हटा देने के बाद भी इसका प्रोसेसिंग चलता रहता है और ये खुद ब खुद ब्राउन कलर आ जाता है। तो हमें ऑयल में ज्यादा देर नहीं रखना है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा तो कड़वापन आ जाएगा। अब चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और इसे मैरिनेट करने के लिए हम कुछ मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैंने डाला है फ्रेश दही, नमक, बिरयानी मसाला जो हमने रेडी किया है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और क्योरा वाटर। अब इस सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन को अच्छी तरीके से मैरिनेट करके 30 मिनट्स के लिए इसे रख देना है। एंड यस, मैरिनेशन में हमें बैरिस्टा भी ऐड करना है। मैं पहले डालना भूल गई थी बट लास्टली मैंने इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। बिरयानी बनाने के लिए चाहिए हमें बासमती राइस, तो इसे हम अच्छी तरीके से वॉश करके पानी में आधे घंटे के लिए सोक करके रख देंगे। तब तक हम कुछ मसाले रेडी करेंगे। हमें चाहिए एक मसलिन क्लॉथ, इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, सौंफ और तेजपत्ता। अब इसे हमें पोटली के जैसे बांध लेना है। अब हमें बिरयानी के लिए चावल रेडी करना है, तो सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, गर्म पानी करेंगे और इसमें डालेंगे हम नमक और वो जो हमने पोटली में मसाले बांधे थे उसको डालकर हमें हाई फ्लेम करके कवर करके पानी को उबाल लेंगे। अब एक कटोरी में गुनगुना दूध लेंगे और इसमें केसर डाल के साइड करके रख देंगे जब तक हम सारे प्रिपरेशन करते रहेंगे और ये केसर दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। तो पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें वॉश किए हुए बासमती राइस हम डाल देंगे और चावल को हमें 80% ही कुक करना है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें से जो गाइस एरोमा आ रहा था ना, वो बहुत ही लाजवाब था। कोलकाता स्टाइल बिरयानी है और आलू ना हो तब तो बात जमेगी ही नहीं। आलू को छील लेना है और अगर बड़े आलू है तो बीच में से काट लेना और फिर इसे नमक और हल्दी के साथ हमें फ्राई कर लेना है। जिन लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, गाइस व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जाओ और मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करो। तो आप सब देख सकते हो आलू फ्राई हो चुके हैं, हम यहाँ गोल्डन होने तक आलू को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ चावल भी 80% कुक होकर रेडी है। अब इस स्टेप में हमें चिकन को कुक कर लेना है। तो कढ़ाई में हम सरसों का तेल गरम करेंगे और सारे मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस को हम इसमें डालेंगे और बचे कुचे जो भी मसाले हैं इसमें हम उसको भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी देकर जो भी बचे कुचे मसाले सारे को इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसमें जाएगा फ्राई किए हुए आलू। अब चिकन और आलू को हम अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे और अच्छी तरीके से सारे को मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढककर हम इसे पकाएंगे जिससे कि आलू और चिकन हमारा अच्छी तरीके से कुक हो जाए। बिरयानी इज ऑल अबाउट एरोमा है ना। तो यहाँ हमें एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लेना है और इसमें ऐड करना है क्योरा वाटर और मीठा अदरक। अगर आपके पास गुलाब जल है तो यू कैन ऐड इट,
उसके बाद हमें इस सारे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका इस्तेमाल लास्ट में होगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, चिकन और आलू अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब बारी आती है असेंबल करने की। तो हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, पतीले को घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब बॉटम में हम कुछ तेज पत्तों को इस तरीके से फैला देंगे। अब इस लेयरिंग में जाएगा चिकन और आलू जो हमने कुक किया था, आधे को हम इसमें डाल देंगे और फिर ऊपर से हमें इसमें डालना है 80% कुक किए हुए चावल। चावल की लेयरिंग हो जाने के बाद इसमें जाएगा केसर दूध, थोड़ा सा भी डालेंगे और लास्ट के लिए थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे। अब जाएगा थोड़ा सा बेरिस्ता, ये भी हम लास्ट के लिए थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। अब दोबारा इसमें चावल की लेयरिंग करेंगे। अब जितने भी बचे कुछ चिकन पीसेस है और आलू है और ग्रेवी के साथ, सारे को हम इसमें लेयरिंग कर देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा घी, आप चाहो तो इसको मेल्ट करके भी दे सकते हो, बट ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगा तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब लास्ट में जो चावल बचे हुए हैं, इसमें हम सारे को अच्छे तरीके से लेयरिंग कर देंगे और फिर ऊपर से हम बैरिस्ता अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अब जो हमने केसर दूध बचा कर रखे थे, उसे इसमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। और अब इसमें जाएगा हमने जो एरोमा मिल्क रेडी किया था, उसे अच्छी तरीके से हम स्प्रेड कर देंगे हर तरफ। और लास्टली इसमें जाएगा बिरयानी मसाला, इसे हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है और एल्युमिनियम फॉयल के सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से रैप कर लेंगे, जिससे कि एकदम एयर पास ना हो। और टाइटली किसी कवर के साथ हमें इसे अच्छी तरीके से ढक देंगे और एकदम लो फ्लेम करके 30 से 40 मिनट तक दम पर पका लेंगे। 30 से 40 मिनट के बाद बिरयानी जब दम पर बन जाए, तो हम उसे 10 से 15 मिनट के लिए उसी तरीके से पतीले में छोड़ देंगे। फिर हम इसे ओपन करेंगे और फिर ये रहा हमारा फाइनल लुक बिरयानी का। तो आप सब देख सकते हो, फर्स्ट टाइम बनाई हुई चिकन बिरयानी इतनी परफेक्ट बन सकती है। तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस वीकेंड पे चिकन बिरयानी तो बनाना बनता है, और इस रेसिपी को पक्का से ट्राई करना। और जो लोग बिगनर हो, कभी भी बिरयानी नहीं ट्राई किया है मेरी तरह, वो लोग तो प्लीज इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाना। आप लोग जरूर सक्सेसफुल होगे चिकन बिरयानी बनाने में। तो आशा करती हूँ कि रेसिपी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर किसी रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे बेझिझक कमेंट करके बताना, मैं पक्का से ट्राई करूंगी। तब तक के लिए कीप कुकिंग एंड कीप लविंग शायोस कुकबुक।